ऑल, आई एम मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक ब्यूटी ब्लेंडर से कितने यूजेस कर सकते हो, कि आप एक ब्यूटी स्पंज की हेल्प से कितने तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ अपने फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए या फिर कंसीलर को अप्लाई करने के लिए करते हैं, बट आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप एक स्पंज को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। आप पूरा यूट्यूब देख लो, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, बट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक ब्यूटी स्पंज का यूज़ मैं कितने तरीक़ों से करूँ। अगर आपको ये वाला हैक मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके के अमेजिंग हैक्स और भी अपलोड करूँगी। तो अगर आप ये हैक पसंद करोगे तो मैं ऐसे बहुत सारे हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये वाला जो हैक्स है मैंने जो यूज़ किया है इसमें, इससे भी और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मोस्टली 10 हैक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करूंगी मैं कंसीलर से। मैंने ऑलरेडी अपने फेस को प्रिप कर लिया है, प्राइमर मॉइस्चराइज़र जो भी स्टेप्स होते हैं इससे पहले वो मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, जो कि कलर करेक्टिंग का काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये NYV का कंसीलर है, और ये बहुत अच्छा कंसीलर है, अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये मेरा हुडा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर है, और ये इसे परचेज किए मुझे 1 ईयर हो गए, 1 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी टिका है। तो ये बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। तो इसको कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला यूज़ था जो मैं कंसीलर अप्लाई की हूँ। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, ये ओरिफ्लेम ऑन कलर फाउंडेशन है, और ये मेरे स्किन टोन का फाउंडेशन है, नेचुरल वेज आई थिंक, मुझे उतना याद नहीं आ रहा ये। और इसका सेकंड यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर का मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। तो जैसे आप अप्लाई करते हो तो इसको ना टैप करना है, बस हल्का हल्का प्रेस करना है, फास्ट में करो बट हल्का हल्का प्रेस करो, एकदम से स्किन में दबा के प्रेस नहीं करना है आपको, नहीं तो जो भी स्किन पे आपके फाउंडेशन लगा है वो सारे ब्लेंडर में आ जाएंगे। तो आप मेक श्योर कि जब आप अप्लाई करो तो उसको हल्का हल्का टच करते हुए, फास्ट मोशन में ही करो बट हल्का हल्का टच करते हुए, उसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं करना है स्किन पर। अब थर्ड में अगेन यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम द वन एलो स्किन कंसीलर, इसको मैं अपने आई को कंसील करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और तीसरा यूज़ इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। और ये आपको पता है कि कंसीलर फाउंडेशन हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर लेते हैं। चलिए अब कंसीलर फाउंडेशन को सेट करते हैं फिटमी के कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो इसका यूज़ ब्रश ना, ब्यूटी ब्लेंडर अगेन। तो ये है फोर्थ यूज ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैं इसका यूज़ पीछे वाला एरिया पे से यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके से लेना है और टैप टैप करके अपने फेस को अप्लाई करते हुए सेट कर लेना है। मेक श्योर कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई होना चाहिए, अगर गीला होगा तो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर ना क्रीम बन जाएगा। अब फिफ्थ यूज़ करते हैं लूज़ पाउडर के लिए, ब्रश नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर अगेन। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसके टिप वाले ऊपर वाले एरिया से इस तरीके से डिप करूंगी पाउडर में, और अपने अंडर आई के नीचे इसको अप्लाई कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको टिप एरिया से लेना है और अपने अंडर आई के नीचे और पूरे फेस पे अप्लाई करना है, अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर हो या लूज़ पाउडर हो। तो इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए फेस पे छोड़ देंगे। तो जब ये ड्राई आउट हो जाएगा तब इसको हम एक ब्रश की हेल्प से डस्ट आउट कर देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पाउडर हो फेस पे वो डस्ट आउट हो जाए। अब मैं फेस कंट्यूर करूँगी, कंट्यूरिंग के मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टिंग पर्पल का पैलेट। तो अब इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ले रही हूँ, आप इस तरीके से टिप पे लो और इस तरीके से अप्लाई करो। आपको ब्रश से अगर अप्लाई करते हो अगर आप, तो आपका एक लाइन क्रिएट होता है और उसको ब्लेंड करना पड़ता है, बट मैं इससे अप्लाई करती हूँ तो ये परफेक्टली ब्लेंडेबल अप्लाई होता है, लगता नहीं है कि ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत है मुझे। और इससे मैं अपने पूरे फेस को कंट्यूर कर लेती हूँ, इवन मैं अपने नोज़ भी कंट्यूर करती हूँ इसी से। तो ये है सिक्स्थ यूसेज ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर फॉर कंट्योर। जनरली मैं बता रही हूँ कि आप एक ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़
क्या क्या अप्लाई करने के लिए कर सकते हो। अब देखो कितना अच्छा लाइन क्रिएट हो गया है ब्यूटी ब्लेंडर के यूज़ से। अब मैं यहाँ पे नोज़ भी कंट्योर कर ले रही हूँ। यहाँ पे ब्रश मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, आप देख सकते हो मैं ब्लेंडर से भी इतने अच्छे से कंट्योर कर लेती हूँ। अब सेवेंथ यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे, और कुछ इस तरीके से स्प्रे आउट कर लूँगी। मैंने ज़्यादा से यहाँ पे स्प्रे आउट किया है अब, ताकि आपको दिखा सकूँ कि देखो जिस तरफ ब्लेंडर में कंट्योर लगा है उस तरफ से हम नहीं करेंगे, ताकि हो सकता है उसका कंट्योर मेरे फेस पे दोबारा लग जाए, इसलिए उस तरफ से नहीं करूँगी, दूसरे साइड से कर रही हूँगी। उसको सोक आउट कर ली हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर का सेवन्थ यूज़ हो गया। एट यूज़ मैं कर रही हूँ ब्लश के लिए, एट्थ यूज़ है ये। तो इस तरीके से आपको पीछे वाले साइड पे ब्लश लेना है और इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। आप देखो ब्लेंडर से भी ब्लश कितने अच्छे से अप्लाई हो जाता है, बिलीव नहीं करोगे कि इतने अच्छे से ब्लेंडेबल ब्लश अप्लाई होता है। ब्रश से अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ब्रश में लो, उसको डस्ट आउट करो, फिर अप्लाई करो, बट देखो अब ब्लेंडर से कितने अच्छे से अप्लाई हो जा रहा है। आपको लगेगा नहीं कि आपने ब्लेंडर से अप्लाई किया है, इतना अच्छा फिनिश लुक देता है। अब नाइन्थ यूज़ करते हैं हम यहाँ हाइलाइटर के लिए, ब्रश नहीं, यहाँ भी ब्यूटी ब्लेंडर। नाइन्थ यूज़ है ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर का, और मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ वो भी ब्यूटी ब्लेंडर से। देखो कितना अच्छा पिगमेंटेड लुक आता है, ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंडेबल अप्लाई होता है, लगता ही नहीं है कि आपने ब्रश से अप्लाई नहीं किया है। आपको बहुत अच्छा ब्लेंडेबल लुक आएगा। अगर आपको ब्लश ज़्यादा लग जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उस पर एक लेयर हाइलाइटर अप्लाई कर दो, वो आपका परफेक्ट टोन में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर से। ये था मेरा नाइन्थ यूज़। टेंथ यूज़ मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं यहाँ आई मेकअप थोड़ा कर लेती हूँ। तो मैं वही ब्लश वाला सेट लेके अपने पूरे आई लिड पर अप्लाई कर ली हूँ, जस्ट फिंगर से बस उसको अप्लाई की हूँ, फिर एक ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर दी हूँ। आई मेकअप में मैं इसका यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि आई मेकअप में ब्रश का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं यहाँ ब्लू हेवन का सिंपल आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल वे में अपना आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस नॉर्मली अपना आईलाइनर दोनों आईज़ में अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का मैग्नेट ब्लैक काजल। तो आई लुक कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे काजल अप्लाई किया है, बस जस्ट नॉर्मली, बस आई लुक कंप्लीट करने के लिए। अब बारी आती है आईब्रो फिल करने के लिए। तो मैं आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ ये ब्लैक आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ब्लैक है और मेरे आईब्रो के साथ ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इसके डार्कनेस को कम करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, मैं ब्लैक आईब्रो फिल नहीं करती हूँ, तो इसके डार्कनेस को कम करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ। दसवां यूज़ है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। उसको लेके अपने आईब्रो पर बस कुछ इस तरीके से स्वेचेस कर देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लगा रहता है तो मेरे आईब्रो के कलर को ये डाउन कर देता है, ब्लैक से थोड़ा नेचुरल फिनिश ब्राउनिश टाइप का आ जाता है। अब मैं यहाँ पे लैक्मे का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये रेड कलर का लिपस्टिक है, और ये मेरा पूरा ओवरऑल फेस का मेकअप हो गया है। बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया है, थोड़ा सा अपने टीयर डक्स पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है, और अब मेरा ये फेस कंप्लीट हो गया, मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। वन ब्यूटी ब्लेंडर, सो मेनी यूजेस, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरे आइडियाज़ अगर आपको अच्छे लगे हो